हे माई YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गुड मॉर्निंग, अभी मॉर्निंग के बजे है 7:30 और मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने नहा लिया, फ्रेश हो गई और आज मैंने अपना स्किन केयर रूटीन भी कर लिया। 2-3 दिन से ना बिल्कुल भी अपने स्किन केयर की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी, तो आज मैंने स्किन केयर कर लिया है और आज मैंने पर्पल कलर की साड़ी वेयर करी है, ये देखिए। तो आज है थर्सडे, तो थर्सडे के दिन हमारे यहाँ पर ना मार्गशीर्ष महीने में जो गुरुवार आते हैं उनका फास्ट रखते हैं महाराष्ट्र में। तो आज मेरा फास्ट है, आज मेरा नहीं, मेरे हस्बैंड का भी फास्ट है और हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं ना, मीन्स कि मेरी सास ससुर देवरानी वगैरह जो है हमारे घर में बच्चों को छोड़ के, तो सभी के सभी जो है ना वो फास्ट रखते हैं। तो आज हमारा फास्ट है और ये फास्ट ऐसा होता है कि इसमें ना तीखा वगैरह कुछ नहीं चलता, सिर्फ फलार में फल बेचने वाले आ जाते हैं कुछ ना कुछ मॉर्निंग में भी। तो फलार में सिर्फ ना फ्रूट्स वगैरह चलते हैं। तो ये फास्ट ऐसा होता है और ये फास्ट ना लक्ष्मी माता के लिए किया जाता है। लक्ष्मी माता जो है वो हम पे प्रसन्न रहती है इस फास्ट को करने से। जिनकी शादी नहीं हुई है, जो कुंवारी या लड़कियां है जिनकी शादी नहीं हुई, वो भी कर सकती है, क्योंकि अगर मतलब ये फास्ट करने से ना उनको अच्छा पति मिलता है। और अब यार मैं क्या ही बताऊँ, वैसे तो भगवान जी की सेवा करने में तो फल मिलता ही मिलता है। तो चलिए अभी मैं ना मैं फटाफट मेरा काम कर लेती हूँ। पहला काम तो मेरा सूर्य देवता को जल चढ़ाना होता है, तो पहले मैं वो कर लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ना सारा बिखेरा पड़ा है, अभी मैंने कुछ समेटा नहीं है, तो मैं समेटूंगी बाद में। पहले मैं भगवान जी को, अपने जो सूर्य नारायण है उनको जल दे देती हूँ। ओके, तो चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। तो मैं पहले तो जल चढ़ाती हूँ सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान जो है उनको जल चढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जल चढ़ा रही हूँ और उसके बाद मैं अपना घर का थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह कर लूँगी और मेरे हेयर भी थोड़े से ड्राई हो चुके हैं, तो उनके भी जो ये है ना नॉट्स वगैरह निकाल लूँगी, उनको सुलझा लूँगी। तो बस आगे मैं अपना वीडियो में ना ये लगा दूँ, अपना जो ये है फ्लावर्स वगैरह है वो भी मुझे तोड़ने हैं। तो ये देखिए आ गई हूँ मैं फ्लावर्स निकालने के लिए, तोड़ने के लिए। तो मॉर्निंग में ना सभी मतलब इतने सारे फ्लावर्स आए थे आज, पर आज फास्ट है ना हमारे यहाँ पर, सभी लोग करते हैं ये फास्ट। तो बहुत सी लेडीज़ जो है स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाती है ना, तो यहाँ से जाते जाते मतलब ले जाती है, और भगवान जी के काम में आने वाली चीज़ है तो उनको ना भी तो नहीं बोल सकते। तो मेरे लिए बस थोड़े से बचे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको ले लेती हूँ, जितने हैं उतने ले लेते हैं। वैसे आज तो बड़े ही ज़्यादा मतलब आए हुए थे फूल, पर अभी क्या कर सकते हैं, वो भी तो भगवान जी को ही चढ़ाने के लिए ले गए हैं ना, थोड़ी के बालों में लगाने के लिए ले गए हैं, तो मैं तो उनको कुछ मतलब बोलती नहीं हूँ। वैसे भी भगवान जी तो सभी के सेम ही होते हैं, चाहे उनके हो चाहे मेरे। तो ये देखिए तो भी ढेर सारे निकल गए हैं, तो इतने तो मुझे काफ़ी है मेरे भगवान जी के लिए और लक्ष्मी माता के लिए काफ़ी है इतने। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं अपने हेयर में सुलझा लेती हूँ, थोड़े से ड्राई हो चुके थे तो थोड़े से गीले होते हैं ना, तभी अगर हम ये कर ले कंघी कर ले तो अच्छा होता है, फिर ज़्यादा नॉट्स वगैरह नहीं होती। तो बस मैं ये कर लेती हूँ, आगे का वीडियो में म्यूजिक लगा दूँगी, आप इंजॉय करिए म्यूजिक के साथ। Thank you.
कितना सारा गड्ढा लेके आ रहे हैं आज? कितना किलो है? 64 तो ये देखिए आज तो ज़्यादा ही जो पत्ता गोभी है ना वो ज़्यादा लेके आ गए, क्योंकि आज पत्ता गोभी की जो क्वालिटी है ना वो अच्छी थी, मतलब इसको ज़्यादा मतलब इसमें गंदगी नहीं निकलेगी, है ना, क्लीन है एकदम से और बड़ा बड़ा भी है, इस वजह से ज़्यादा लेके आ गए। तो आज भगवान जी को अच्छे से स्नान करा दिया, अच्छे से मतलब कि डीप एकदम क्लीन कर ली। ये देखिए अभी मैं दिया बाती वगैरह कर लेती हूँ, तो यहाँ पर अभी मैं पूजा वगैरह कर लूँगी क्योंकि ये मॉर्निंग की पूजा है। अभी तो मैं जो लक्ष्मी का पाठ वगैरह मांडनी मुझे करनी है ना वो मैं बाद में करती हूँ, पहले तो मैं मॉर्निंग में अपनी जो मेरी डेली की पूजा होती है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर अपनी दिया बाती वगैरह सब कुछ अच्छे से क्लीन हो चुका है, अच्छे से मतलब हो चुकी है पूजा, तो बस हो गई मेरी पूजा। बच्चों के लिए ना ये बनाया था मटकी, और यहाँ पर ये देखिए जो मूंग होते हैं ना उनको भी मैंने बॉईल करके रखा था कि बच्चे खा लेंगे, पर उन्होंने खाया नहीं, और चपाती तो बच्चों ने खा पी के ख़त्म कर दिया है, बस इतना सा बचा है, और हमारा तो दोनों का फास्ट है, हम नहीं खाएंगे, तो बस बच्चों को यही बना दिया था आज। और कढ़ाई देखिए कितनी सारी जल गई है, बहुत ही ज़्यादा जल गई आज कढ़ाई। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने आज फास्ट है ना तो केला लाए हैं, और क्या लाए हैं, वाव अमरूद, इसे अमरूद बोलते हैं राज हिंदी में। उस दिन ना मैं बड़ी याद कर रही थी कि इसे हिंदी में क्या बोलते हैं ना, अमरूद जाम बोलते हैं जाम। अरे अपन पेरू मानतो पण त्या दिवशी मी हिंदी मध्ये, ये देखो वाव वाव ये अमरूद, हाँ इसे अमरूद बोलते हैं ना। कमेंट में मुझे जरूर बताना अमरूद ही बोलते हैं शायद नहीं डेफिनेटली, मतलब मैं ना पूरे कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ इसको ना अमरूद ही बोलते हैं ना, अमरूद ही बोलते हैं यार। क्या है, क्यों हंस रहे हो मुझ पे? इधर बताओ, पापा बोले किसका बोले तो मुझे नहीं पता है, तो नहीं पता है, नहीं हम घर में क्या बोलते हैं, हमारी भाषा कौन सी है, मतलब हम घर में हिंदी बोलते हैं क्या, मराठी बोलते हैं ना, मराठी का यूज ज्यादा है, अपनी मदर टंग जो है वो हिंदी नहीं है मराठी है, तो ज्यादातर हमारी जो लैंग्वेज है वो तो हम मराठी और आयरनी है, तो हमें तो वो आएगा ही नहीं ना, तो इस वजह से। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, भाई क्या करेंगे। ए वाओ इसका शेप देखिए ये कैसा है, ओए हे बगाओ कैसा है, चलो मैं भी काट के खा लेती हूँ अभी। ऑन कैमरा मेरी बेइज्जती कर दी आपने, इसका बदला चुकाना पड़ेगा। चलो तो राज को मैंने कलश निकालने के लिए ऊपर चढ़ा दिया था, क्योंकि जो बर्तन मुझे पूजा के नहीं लगते हैं ना वो मैं ऊपर रख देती हूँ, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा वाले जो बर्तन हैं वो रखे हैं। तो राज ने मुझे लोटा निकाल के दे दिया है, इसे मैं वॉश कर लूँगी। और ये देखिए श्रीफल भी है यहाँ पर, तो श्रीफल लगता है, तो चलिए मैं पहले वॉश कर लेती हूँ। तो पूजा की जो माननी है, पाठ जो माननी करनी है, उसकी सामग्री मैं सब कुछ लेके यहाँ पर बैठी हूँ। ये देखिए मैं अभी पूजा माननी पूरी तरह से कर लूँगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी, ओके। तो चलिए पहले पूजा माननी कर लेते हैं, फिर आपसे बातें भी करेंगे और आपको पूरी पूजा भी दिखाएंगे। तो पूजा में ये देखिए मैंने जो जो सामग्री लगती है ना, श्रीफल नारियल वगैरह, ये जो जल है इसमें चावल फल वगैरह, तो ये ले लिया है, चलो अभी मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मेरा जो पाठ मांडने का ये है ना, ये पूरा रेडी कर लिया है, ये देखिए कुछ इस तरह से। तो पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी, पूजा मांडनी हो चुकी, सब अच्छे से मैंने ये कर लिया। ये देखिए सिंपल तरीका होता है, फास्ट भी इतना ज़्यादा मतलब ये नहीं होता, तो बस ये है मेरी आज की पूजा लक्ष्मी माता। तो पूजा वगैरह हो चुकी है और मैं अभी फ्री बैठी हूँ, तो मैंने सोचा चलो मैं केला खा लेती हूँ, मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं, और अभी टाइम जो है ना 12 बज गए हैं, तो मैं केला खा रही हूँ। आइए आप लोग भी मेरे साथ केला खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो आपसे थोड़ी बातें कर लेते हैं और वीडियो का एंड भी कर देते हैं। तो मैं ना आज आप लोगों को एक बड़ी बात बताने वाली थी, पर मैंने सोचा कि ब्लॉग में नहीं ऐड करते हैं उसको, ना एक स्पेशल वीडियो बना लेते, क्योंकि बात ही इतनी ज़्यादा गंभीर वाली थी, तो उसका एक स्पेशल मैं वीडियो बना दूंगी। तो बात क्या है वो आप अगले वीडियो में देख लेना।
तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ये लगेगा। और ऐसे लोग होते हैं किसी को बदनाम करते रहते हैं, तो मतलब बड़े लोगों का नाम लेके उनका फ़ायदा उठाते हैं ना, तो इस वजह से मैंने सोचा कि उसका एक स्पेशल वीडियो बन जाएगा मीन्स बहुत उसका टॉपिक ही इतना बड़ा है कि एक व्लॉग में ऐड नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी। पर उससे पहले ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का, आई होप सो आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा हो वो सब्सक्राइब करके जाना, और बेल आइकन तो जरूर से प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए फिर मैं जल्दी जल्दी से अभी फलहार कर लेती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।